क्या ये सिंहासन राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सुना नहीं लगता? तो क्यों न इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं? आप सबने वचन दिया था कि आप महेश्वती के वफादार बनकर रहेंगे। महाराज की मृत्यु के इस कठिन समय में राज विद्रोह करना क्षत्रिय धर्म नहीं है मार्तंड। शासन को अपने हाथ में लेना ही क्षत्रिय धर्म है महामंत्री। जो राज परिवार के वफादार हैं, इस तरफ आ जाएं। औरत के पीछे कौन खड़ा होगा शिवगामी? कटप्पा! इनके कपट से महिष्मती मैली हो गई, रक्त से नहला दो। वो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ उस गुलाम और इस शिवगामी को मार डालो। मारो इस कटप्पा को, मार डालो। ये सही था। मेरे ही लोगों को भड़का दिया, कैसा षड्यंत्र रचा तूने? ये षड्यंत्र नहीं मार्तंड, राजतंत्र है। देवी, आपकी युद्ध रीति और राजनीति हमने अपनी आंखों से देखी है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और इस राज्य का पालन कीजिए। नहीं महामंत्री, वो मेरा स्थान नहीं है। फिर किसका है देवी? ये कैसे पूछ सकते हो महामंत्री? उस सिंहासन के लिए ही तो जन्मा है मेरा पुत्र भल्लाल देव। बोलो शिवगामी। मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। जैसे टूटे कोई बिजली।
मुझे भी खिला दो। युवराज आप सब खड़े क्यों हो गए, बैठिए अब खिलाइए। युवराज आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज, आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, महेशमती का युवराज आपको आदेश दे रहा है, खिला दो मामा। क्या बात है भल्लाल, जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति। विद्या और शास्त्र ज्ञान में हमारे दोनों युवराज एक समान सिद्ध हुए, तो हमारे होने वाले महाराज का निर्णय आप कैसे करेंगी राजमाता? परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है ये निर्णय लेने में कि ज्यादा होनहार कौन है। महामंत्री आगे की चुनौतियां और कड़ी कर दीजिए। किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई, उनके विश्वास पात्र साकेत के रूप में। साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के रहस्य चुरा के भाग गया। राजमाता युवराजों को इसी वक्त सूचित करो। जो आज्ञा। दोनों युवराज महेशमती की सीमाओं के पार दूर देश के राज्यों में राजद्रोही को ढूंढते रहे, तभी उन्हें सूचना मिली कि राजद्रोही सिंहपुरम में छुपा बैठा है, जहां चोर लुटेरे छुपने के लिए डेरा डालते हैं और अगर कोई पहरेदार वहां आ पहुंचे तो उसके प्राण बचना असंभव है। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहां पर नया हूं। कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो। हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तो हमें देश विदेश घूमने का मौका कहां से मिलता। कटारिया होशियारी, दोनों भाई एक साथ। मदिरा है। बड़ा है।
रोकड़ा है। मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे, इतना है। बात करें ना फर्स्ट तो वो जो राज है ना, जिनके हाथ थोड़ा इस तरह से, उनके माइंड में यही है कि मेरा बेटा सिर्फ बन जाए। और इधर से बाहुबली तो उनके मतलब सगे बेटे भी नहीं है, वो तो राजकुमारी की डेथ हो गई तो राजमान ने संभाल लिया उनको इस तरह से। हाँ, लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो जो बाहुबली है ना, वो उनका ये सिस्टम है कि जिस तरह हमने स्टार्टिंग में देखा वो स्ट्रॉन्ग भी है, और उसके बाद हीरा उनका दिल बहुत सा। हाँ, दयालु जिस तरह वो कहते ना कि मैं मतलब आप लोगों के साथ बैठ के क्यों नहीं खा सकता। ये वो सीन बहुत जबरदस्त था जब अड़प्पा को मामा कहा। हाँ, उनकी आंखों से पानी आ गया। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग पार्ट था, बहुत मजा आया। उसमें लास्ट में जो मशीन को दोनों भाई साथ गए, ये सीन भी बहुत जबरदस्त था। दोनों जब एक ही साथ खड़े थे ना, दोनों का लुक्स जो था ना, ये रुमाल टाइप प्रभास का बहुत राणा का भी, दोनों के लुक्स बहुत जबरदस्त लग रहे थे। बहुत मजा आया पार्ट देख कर। आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस। सो सी यू अगेन।